अपने आसपास की ताजा तरीन खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली न्यूज झारखंड और घंटे के बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। पापी पेट के लिए उत्तर प्रदेश के कलाकारों के द्वारा दिखाया जा रहा है खतरनाक सर्कस। भंडरिया से हमारे संवाददाता इरशाद आलम की रिपोर्ट। कहावत सच ही कहा गया है कि पापी पेट नहीं होता तो किसी के पेट नहीं होता, जिसका उदाहरण आज कुछ दिनों से भंडरिया प्रखंड क्षेत्र के में देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के कलियर शरीफ से कुछ कलाकार आए हुए हैं जो कि मदगरी पंचायत एवं करचाली पंचायत में अपने कला को दिखाकर अपने पेट एवं परिवार के पेट के लिए इंतजाम कर रहे हैं। एक से बढ़कर एक खतरनाक खेल बगैर पर्दा के देखा जा रहा है। जनता का मन मोह ले रहे हैं लोग। इनका खेल एक सप्ताह के लिए रहता है जिसमें प्रतिदिन अलग अलग तरह के खेल दिखाया जाता है। अपने सीने को ब्लेड से चीरकर लहूलुहान होना, दूसरा दिन अपने सीने पे 5 मोटरसाइकिल को चढ़ाकर पार कराना, 5 का बोतल सर से फोड़ना, लोहे के साबल गर्म करके अपने जबान से ठंड करना, सीने पर पत्थर रख कर घन से फोड़ना, अपने बाहों में सुवा को डालकर 18-18 किलो वजन ईंट को उठाना, जमीन के अंदर कब्र खोदकर बोरी में डालकर 6-8 घंटे जमीन के अंदर रहना किसी प्रकार के जादू एवं नजरबंद तो नहीं है, बस अपनी पेट एवं परिवार के पापी पेट के लिए करते हैं। इस कलाकारी को देखकर लोग 10 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए देते हैं, उसी से इनका पेट एवं परिवार चलता है। कलाकार अमित सिंह एवं फरीद खान द्वारा बताया गया कि हम लोग अपने कला को पर्दे में नहीं दिखाते हैं, जिससे कि सभी लोग अमीर गरीब बच्चे बूढ़े देख लेते हैं, जिससे हम कलाकारों की दुआ आशीर्वाद मिल जाता है, वो हमारे लिए काफी होता है।